लोग सुनते थे, बहुत जुमलेबाजी लोग करते थे, जिन लोगों ने 18 बरस तोड़ मोड़ के शासन चलाया लेकिन लागू नहीं किया। लेकिन धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि इन्होंने हिम्मत दिखाया। लोग नारा भी है कि हिम्मत हेमंत है तो हिम्मत है, हिम्मत दिखाकर 1935 एक्ट हथियार लागू करने का काम किया। और वो पूरे झारखंड में जोहार जात्रा लगभग संथाल परगना से लेकर सभी जिला में हम लोग कोरबा गिरिडीह देवघर घूमते हुए चतरा धरो लातेहार कल का कार्यक्रम है। और राज्य सरकार बनते हैं इन 3 वर्षों में आप लोग से छिपी हुई नहीं है कि COVID-19 जैसे महामारी पूरे देश पूरे प्रदेश में जाल की तरह फैल गया और अफरा तफरी का माहौल कर दिया। उस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो राज्य के बाहर हमारे श्रमिक जो 8 लाख दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे उनको लाने की व्यवस्था, जहां काम करते थे खाने की व्यवस्था और घर तक पहुंचाने की व्यवस्था और झारखंड को समान स्थिति बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रात और दिन घूमते रहते थे। हम लोग डरते थे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं डरते थे और रात दिन एम्बुलेंस के आवाज जिधर गए उधर लगा, देश प्रदेश नहीं बचेगा ऐसा माहौल था। हाट बाजार दुकान सब बंद था, अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन झारखंड और COVID-19 से मुक्ति मिला है। 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री का चतरा में चौथा दौरा है। पहला दौरा इनका जो बिजली का आंख में चोरी था, चतरा में बिजली की किल्लत थी, सुबह बिजली आया तो शाम में नहीं, शाम आया तो 12 बजे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह किया कि चतरा में बिजली का संकट है तो मंजूरहंड में ग्रिड पावर सबस्टेशन उद्घाटन करके माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन किया। और जिस दिन से उद्घाटन हुआ उस दिन से बिजली का संकट चतरा में दूर हो गया। हुआ कि नहीं हो बताइए आप लोग, 24 घंटा बिजली यहाँ मिल रहा है। दूसरा ग्रिड बन करके तैयार है टाढ़ा में, अगर उसको खाली उद्घाटन करना है जिन समय मिले उसको भी हम लोग चालू करेंगे। उसके बाद और जो कम बेसी है बिजली का वो भी संकट दूर हो जाएगा। इसके साथ चतरा में कई महत्वपूर्ण काम हुआ है। चतरा में जो सदियों से जो मांग था यहाँ पर बाईपास सड़क होना चाहिए, आप लोग अखबार में पढ़े हुए 200 करोड़ का बाईपास सड़क का निविदा हो गया है, निष्पादन होते हैं। चतरा में बाईपास सड़क का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, ये चतरा का बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसके साथ हम लोगों ने कई कार्यक्रम गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक कई कार्यक्रम हो, आपकी योजना आपकी सरकार आपके अधिकार के माध्यम से जो गरीब गांव जंगल देहात में नदी नालों में जिनका उम्मीद नहीं था कि कोई भी सरकार बने तो हम लोग को लाभ मिले, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गरीब जंगल पहाड़ खेत खलिहान नाला में है जिनके पास सरकार आज तक नहीं पहुंची, आजादी के 75 बरस बीत गया, अलग राज्य बने 22 बरस बीत गया, मैं उसको लाभ देना चाहते हैं। उसके माध्यम से हम लोगों ने आपके सरकार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जितने 60 बरस उम्र वाले हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारे चाचा हैं, सभी को हम लोगों ने पेंशन देने काम किया, विधवा पेंशन विकलांग पेंशन, ये जो स्तर पर यहाँ पर देश का पहला राज्य है जो इतना बड़ा अभियान चलाकर हम लोग लाभ देने काम कर रहे हैं। बगल में किसी भी राज्य में जाइए 300-400 बेसिक पेंशन नहीं मिलता है और जिनको आवश्यकता है उनको भी नहीं मिलता है। झारखंड में पहला राज्य है जिसमें हम लोगों ने 1000 रुपया माइनस हुई पेंशन लागू करने काम किया। इसके साथ हमारे जो किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के बीच नहीं था, जो हम लोगों ने कहा था कि किसी ऋण माफ करेंगे, जो 50,000 रुपया हम लोगों ने राज्य सरकार ने माफ करने काम किया। किसी पास जॉब कार्ड नहीं था, किसी पास लेबर कार्ड नहीं था, किसी पास राशन कार्ड नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोगों की आवश्यकता है जो जरूरी है झारखंड सरकार ने उपलब्ध कराने काम करेगी। चार जिला में बोला था 1 लाख राशन कार्ड नए बने हैं, इनका राशन कार्ड नहीं था तो भाई भाई में लड़ाई, गोतनी गोती में लड़ाई,
आपस में लड़ते थे कि मेरा कार्ड नहीं है, नहीं बना, कब बनेगा, कौन सरकार बनेगा जो बनाएगा। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से घर घर में भाई पर वो कार्ड बनाया गया है। ये झारखंड का चतरा का सौभाग है। और जो स्तर पर हम विकास की बात करते हैं तो चतरा में 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का इतना पैकेज सड़क के लिए आया है। हमको लगता है कि 31 मार्च के पहले सभी सड़कों का निविदा निकाली गई है। आने वाला समय में हमको लगता है कि सड़क न मरम्मती के लिए बचेगा और नया निर्माण के लिए बचेगा। अनेक विकास का चतरा में सड़कों का, पुल का जाल बिछाया जा रहा है। अभी गड़िया गुजर जैसे जगह जहाँ आजादी के 75 वर्षों से वहां लोग निवास करते थे, उस इलाके के लोग जो इलाज के लिए तड़पते थे, शहर दिखने के लिए तड़पते थे, वहां पर 75 वर्षों के बाद वहां पर माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से वहां सड़क पहुंचाने के काम झारखंड सरकार ने किया। गड़िया उधर जहाँ गड़िया में गाड़ी नहीं जाती थी, और वैसे कई सड़क जो कुंदा से सड़क देखिए, कुंदा से प्रतापपुर, भुजाडी से कुंदा, कई सड़क है, सैकड़ों सड़क है जो गाढ़ा सड़क में था, सड़क गाढ़ा में था। अगर हम और आप ये गाड़ी बैठेंगे तो हम आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर। लेकिन झारखंड सरकार ने कहा कि जितना खराब सड़क है सभी सड़कों का युद्ध स्तर पर मरम्मती होगा और नई सड़कों का निर्माण होगा। कई सड़क बन करके तैयार है, कई योजनाओं का हम लोगों ने उद्घाटन करने का काम किया है। और यहाँ चतरा में 2 ITI था मात्र, सीखोरी और सिमरिया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा नक्सल फील्ड है, वहाँ पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ और ITI का जरूरी है। हमने हंटरगंज, चतरा और प्रतापपुर जैसे पिछड़ा जगह में 3-3 ITI देने का काम किया और वहाँ निविदा भी हो गई है, निष्पादन भी हो गया है और काम प्रारंभ हो गया है। और टिकरी कॉलेज बन करके तैयार है, वो भी हम लोग बहुत जल्द उसको शुरू करने जा रहे हैं। और जो हमारे गरीब के जो बच्चे जिनको कंप्यूटर सीखने के लिए शहर आना पड़ता, चतरा में, कहीं गिटखोरी में, कहीं किसी हजारीबाग में, रांची में जाना पड़ता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, जो गरीब है जिनके पास पैसा नहीं, उनको निःशुल्क कंप्यूटर फ्री में सरकार सिखाएगी। अभी सामने हमको महाविद्यालय में निःशुल्क कंप्यूटर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया और नन्हे मन्हे बच्चा बच्चियों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। इसके साथ हमारे UPSC और JPSC का जो हमारे सिविल सेवा में तैयारी करना चाहते हैं, जो अयोध्या जिनको दूसरे राज्य कोटा जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, उसके लिए चतरा में हमको लगता है कि 24 जिला में चतरा पहला शुभारंभ हुआ जो अभी JPSC और UPSC का यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोला गया है, चलाया जा रहा है। और हमारे जो गरीब बहने हैं जिनके तन बस्तर नहीं था, जो मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, बाजार नहीं जा पाते थे, उनके लिए सोना सोवरन योजना के माध्यम से हम लोगों ने धोती और साड़ी और लुंगी साल में 2 बार सरकार ने देने के काम किया। और सरकार ने कई ऐसे उपलब्धियां हैं जो गिनाने में घंटों लग सकता है। चतरा में शहर में देखिए जितना सड़क गाढ़ा में तब्दील था, जो सभी सड़क आज कालीकरण PCC के रूप में दिखाई दे रहा है। अभी फिर 19 तारीख से हमारा माँ भद्रकाली राजकीय महोत्सव है, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आना है। 19, 20, 21 वहाँ भी कई काम भद्रकाली में किए गए हैं। 3 करोड़ लागत से वहाँ आधुनिक भवन बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से। वहाँ भी एक ऐतिहासिक धरती में इतना बड़ा काम। इसके साथ हमारा महाकुलेश्वरी में वहाँ भी हमको डेवलप करना है, वहाँ भी रुपये लगाने की बात है, वहाँ भी हम लोग NOC ले रहे हैं, वहाँ भी हम लोग बहुत रुपये लगाने जा रहे हैं। जोरी में नीलाजा नदी जो आज तक लोगों ने मांग करते